नमस्कार, मम्मीज मैजिक में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ व्हाइट सॉस चीज पास्ता। तो मैं ये सामग्री की सहायता से उसे बनाऊंगी। तो मैंने एक कटोरी बॉईल किया हुआ ये पास्ता है, मैंने अभी इसे बॉईल कर लिया है। इसमें बॉईल किया हुआ पास्ता एक कटोरी लिया है मैंने, और इसमें एक कटा हुआ प्याज, शिमला मिर्च एक कटी हुई, काली मिर्च पाउडर, लहसुन की 4-5 कलियां, थोड़ी सी चीज कशी हुई, मैदा, और इसमें मैंने आधा गिलास ये छोटा सा दूध का लिया है, नमक सफेद और थोड़ी लाल मिर्च। तो मैं सबसे पहले आपको इसकी सब्जियां तैयार करती हूँ। सबसे पहले हम सब्जी तैयार करते हैं, उसके बाद हम सॉस तैयार करेंगे। कढ़ाई ले लिया, मैं इसकी सब्जी तैयार करती हूँ। इसमें मैं जरा सा ऑयल डालती हूँ, 1 चम्मच, थोड़ा सा तेल गरम हो चुका है, मैं इसमें लहसुन की कलियां डाल देती हूँ। ये मैं कटा हुआ प्याज डाल देती हूँ। और नमक अपने स्वाद के अनुसार, हल्की सी ब्लैक पेपर कुटा हुआ, और इसे थोड़ा सा गलने देते हैं। ये हमारी सब्जी तैयार हो चुकी है, और हम इसे साइड में रख देते हैं और व्हाइट सॉस बनाते हैं। इसे हम साइड में रख देते हैं। मैंने पैन लिया है, इसमें मैं 2 चम्मच घी डालूंगी, देसी घी, और इसमें मैं 2 चम्मच मैदा की डाल देती हूँ। अब इसको मैं अच्छे से थोड़ा सा हल्का सा लाइट ब्राउन होने तक भूनती हूँ। ये हल्का लाइट ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसमें दूध डालती हूँ। जब तक चलाना है इसको, है ना, इसमें लम्स नहीं बने, चलाते रहना, इसमें एकदम सही बना है, लम्स इसमें बिल्कुल नहीं, थोड़े बहुत में उसको चलाते रहिए तो इसमें लम्स नहीं बनेंगे। अब हम इसमें डालते हैं थोड़ी काली मिर्च, हल्की सी लाल मिर्च और नमक अपने स्वाद के अनुसार। ये सब्जियां मैंने इसमें रख ली, और इस सॉस को मैं इसमें डाल देती हूँ। सबसे लास्ट में हम इस चीज डालते हैं, इसमें चीज कस के रखी हुई है, इसको थोड़ा सा डाल के उसे मिक्स कर देते हैं, और ये हमारा पास्ता रेडी हो गया। ये हमारा व्हाइट सॉस चीज पास्ता रेडी है। आप घर में बनाइए, खाइए, खिलाइए, सबको खुश रहिए, और आगे देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, और मिलते रहेंगे। बाय बाय, थैंक यू।